हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सहायिकाओं का, आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग से जुड़े महिला पर्यवेक्षिका, सीडीपीओ और अन्य अधिकारी पदाधिकारी जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उनका सभी का इस नए चैनल पर वीडियो पर फिर से स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आज से लगभग 15 दिन पहले प्रकाशित की गई थी, आंगनवाड़ी केंद्र पर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, रजिस्टर्ड बच्चे होते हैं, उनका स्वास्थ्य आईडी के संबंध में मैंने उस वीडियो में आज से 10-15 दिन पहले ही बताया था कि बिहार में जितने भी बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र से रजिस्टर हैं, मैक्सिमम बच्चों का जो हेल्थ आईडी या स्वास्थ्य आईडी जो है वो नहीं बन पाया है, या तो जागरूकता के अभाव में या फिर नियम नहीं जानने के अभाव में। इसके संबंध में पटना से सरकार की ओर से एक बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी कि किस प्रकार जो है सरकार आने वाले दिनों में आंगनवाड़ी केंद्र से ही जो है सेविकाओं के द्वारा ही स्वास्थ्य आईडी बच्चों का बनाने जा रही है। स्वास्थ्य आईडी काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है बच्चों के लिए, और बच्चे से लेकर वयस्क होने तक, बुजुर्ग होने तक उनका पूरा डिटेल हेल्थ के संबंध में वहां पर रिकॉर्ड रहेगा। इसके बारे में डिटेल जानकारी हम आगे आपको दिखाते हैं, हम यही करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में आईसीडीएस का नोटिफिकेशन इसके संबंध में आएगा और आपको इसके संबंध में आईडी बनानी होगी। चले चलते हैं खबर की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार के आंगनवाड़ी सेविकाओं को एक नए काम, एक नई ड्यूटी के संबंध में खबर प्रकाशित की गई है, लेकिन इसमें स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया है कि ये काम जो है सेविकाओं को कब से करना होगा। देखिए, आज से लगभग 15 दिन पहले मैंने आप सभी को स्वास्थ्य आईडी के बारे में जानकारी दी थी कि 95% से अधिक बच्चों का स्वास्थ्य आईडी जानकारी के अभाव में आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू नहीं बन पाया है, लेकिन अब यह बहुत जल्द बनाया जाएगा। लिखा गया है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में ही बच्चों का बनेगा स्वास्थ्य आईडी कार्ड। पटना से खबर है, लिखा गया आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित सभी बच्चों का स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को स्वास्थ्य आईडी बनाने का टारगेट दिया गया है। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को फरवरी 2025 तक 90% बच्चों का स्वास्थ्य आईडी बनाया जाना है। इसके लिए आईसीडीएस निदेशालय ने सभी आंगनवाड़ी केंद्र को आदेश दिया है। बता दें कि राज्य भर में 1,14,000, जी हां, राज्य भर में 1,14,000 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं। 6 वर्ष के लिए 93 लाख बच्चों का स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाया है, जी हाँ, 6 वर्ष के जो है 93 लाख बच्चे जो पूरे बिहार में आंगनवाड़ी केंद्रों के थ्रू ही रजिस्टर्ड हैं, इनका स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनाया जाना था, लेकिन मात्र 1435 बच्चों का ही कार्ड बना, यानी 1% से भी कम अब तक स्वास्थ्य आईडी बनाया जा सका। इस खबर को अपने अखबार के हिंदुस्तान के माध्यम से चलाया गया था। पड़ताल में कई चीज़ें निकल कर सामने, इसमें 7 दिनों का सीरीज चलाया गया, अब इसको लेकर आईसीडीएस विभाग गंभीर हो गया है। लिखा गया इस खबर का असर है कि आईसीडीएस ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर स्वास्थ्य आईडी बनाने का अभियान शुरू किया है, यानी कि अब जो है बहुत जल्द इसके संबंध में नोटिफिकेशन आईसीडीएस का आएगा। स्वास्थ्य आईडी कार्ड कैसे बनाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये काम सेविका को 15-20 दिनों में सौंप दिया जाएगा। तो स्वास्थ्य आईडी के संबंध में जानकारी है, जब इस कार्ड को बनाने के संबंध में नोटिफिकेशन आएगा, कैसे बनाना, क्या क्या डिटेल फिल करना है, वीडियो में जरूर लाऊंगा। फिलहाल आप इस खबर को देख करके आगे से जानकार रहिए। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।